वेलकम टू माय चैनल दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल। मेरा नाम है दीपिका, दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा मोटू, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अगर इस वीडियो में कमेंट आएगा कि इसका और एक पार्टनर चाहिए तो ही मैं उस पार्टनर का वीडियो बनाऊंगी, और जैक का वीडियो चाहिए तो ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं, मुझे पता नहीं चलता, शायद आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा इसलिए आप नहीं बोलते। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका वीडियो, इसका और दो कैरेक्टर चाहिए कि नहीं। साथ ही साथ आप नए पुराने बन जाओ और मेरी फैमिली में जुड़ जाओ। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए नीचे लाल कलर का बटन है, वहाँ जाके प्रेस कीजिए ताकि मेरे फैमिली के मेंबर बन जाए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक चला जाए। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगाना, क्यूट लगाना, फनी लगाना तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर नहीं अच्छा लगा तो थम्स डाउन कर दीजिए, अच्छा लगा तो थम्स अप कर दीजिए। उसके साथ ही साथ आप अपने चैनल पे, आप अपने सोशल मीडियाज पे मेरे वीडियोस को प्लीज़ शेयर कीजिए। शेयर करेंगे थोड़ा मुझे हेल्प हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही हेल्प हो जाएगा, तो शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं नया नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट की हूँ, आप लोग चाहें तो वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट डाल के और मुझसे और भी क्लोजनेस बढ़ा सकते हैं। और वहाँ पर भी मैं YouTube से पहले Facebook में अपलोड करती हूँ पैटर्न, साथ ही साथ वीडियोस, तो मैं YouTube से पहले Facebook और Instagram में शेयर करूँगी, तो आप लोग बिना सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं, वहाँ पर जाके भी मुझे फॉलो कीजिएगा। कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना क्यूट सा बनाया है ना, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो बनाना। आपको बनाने के लिए चाहिए इतना सब कुछ, ब्लैक कलर फेल्ट, वेल्वो कुछ भी लो चलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिए हॉर्न और उसका नोज़ वगैरह बनाने के लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर भी बता देती हूँ 5 सेंटीमीटर लग जाएगा। और आपके पास पर्पल होगा तो आप पर्पल कलर लीजिए, जिस तरह यहाँ पर है मेरे पास इतना टुकड़ा टुकड़ा बचा था पर्पल बॉडी बनाने के लिए, बॉडी और हैंड बनाने के लिए, तो पर्पल लीजिए। पर्पल नहीं है तो ब्लू लीजिए, कोई भी एक कलर लीजिए आपके पास जो अवेलेबल हो वो लीजिए। हैंड बनाने के लिए थोड़ा सा चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा, 2-3-5 सेंटीमीटर ले लीजिए। और ये इसका फेस बनाने के लिए ऑरेंज फेल्ट वेल्वो, ये दो कपड़े में ही कीजिएगा, और शॉर्ट फर वगैरह में मत बनाइएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद कलरफुल थ्रेड नीडल लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। मार्किंग के लिए मार्कर, सीजर कट करने के लिए फाइबर वूल, करीबन इसमें 50 ग्राम से कम ही लगेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और इसको चिपकाने के लिए ग्लू गन हो या फिर आपके पास कोई ग्लू हो वो लीजिए, पैटर्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बनाने के लिए। 2 पीसेस पर्पल कलर, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, 2 पीसेस कट कीजिएगा। देखिए मैंने कट कर लिया, और आप यहाँ पर डार्ट पार्ट है, आप डार्ट पार्ट को स्टिच कर लीजिएगा। डार्ट पार्ट जैसे स्टिच करेंगे उसी तरह हर एक बॉडी पार्ट भी उसी तरीके से स्टिच होगा। देखिए कुछ इस तरीके से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से स्टिच करेंगे तो दोनों पार्ट को इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे, देखिए उस तरीके से फूल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट को रख के, जब डार्ट पार्ट स्टिच हो जाएगा दोनों पार्ट को रख के यहाँ से ले, यहाँ पर हैंड पोर्शन, हैंड भी लगेगा तो यहाँ से यहाँ हैंड के लिए जगह छोड़ देंगे। उसके बाद पूरा यहाँ से ले के यहाँ तक
स्टिच करेंगे। ठीक है, इतना इतना जगह छोड़ देंगे, बाकी पूरा जगह आप लोग स्टिच कर लेंगे। उसी तरीके से आप स्टिच करेंगे। उसके बाद देखिए ये फेस पार्ट है, देखिए ये फेस पार्ट है, ये ऑरेंज कलर में कट होगा। दो पीसेस आप कट कीजिएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। इसका भी डार्ट पार्ट है। आप क्या करेंगे, देखिए डार्ट पार्ट को इस तरह का रख के उसी तरीके से स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट को रख के, इसका भी डार्ट है, इसका भी डार्ट है, रख के स्टिच करेंगे। पर देखिए यहाँ पर नेक लिखा है, आप इस तरह रख के इसको मार्क करने के बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ नेक लिखा है यहाँ से यहाँ ये नेक एरिया को छोड़ देंगे। जिस तरह इसको स्टिच करेंगे आपस में इस दोनों पार्ट को रख के, देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे। इसके ऊपर इसका सर लगेगा, इसको जो ब्लैक कलर का हेड होता है वो लगेगा। ये देखिए दो पीसेस कट कीजिएगा। उसी तरह इसका भी आपका डार्ट पार्ट है तो डार्ट पार्ट को स्टिच कर लीजिएगा और यहाँ पर स्टिच होगा, यहाँ पर लग जाएगा। और बॉडी जब स्टिच करेंगे, बॉडी भी स्टिच करने से पहले बॉडी में जगह मत छोड़िएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट को ये हो जाएगा, जब इसका एक पार्ट यहाँ पर जॉइंट कर लीजिएगा, दूसरा पार्ट खोल दीजिएगा ताकि हम लोग अगर स्टफ वगैरह अंदर डालेंगे तो, इसलिए एक पार्ट आप छोड़ दीजिएगा, ये वाला स्टिच कर लीजिएगा। जब बॉडी बन जाएगा तो इसको स्टिच कर लीजिएगा, इसको स्टिच कर लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर स्टिच हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हैंड अंदर डाल के बाहर से स्टिच करेंगे। पार्ट है, देखिए दो पीसेस कट कीजिएगा, मैंने कट कर लिया है। और आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ से यहाँ, बस और कुछ नहीं स्टिच करना। उसके बाद देखिए ये पम्प पार्ट है, देखिए फोर पीसेस वाइट कलर में कट कीजिएगा, इस तरह रखेंगे और उसको इस तरीके से, देखिए ये पार्ट बॉडी में स्टिच होगा और हम लोग का ये थंब ऊपर की तरफ रहेगा जब बॉडी में स्टिच हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद दोनों पार्ट को रख के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये हो जाएगा पूरा आपका हैंड पोर्शन। उसके बाद हम लोग स्टिच करेंगे लेग का पोर्शन। देखिए ये लेग पार्ट है, दो पीसेस कट कीजिएगा ब्लैक कलर में, देखिए इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आप स्टिच कर लेंगे। छोटा चीज़ है इसलिए छोटा छोटा कटिंग है। आप लोगों को इससे बड़ा वाला कटिंग चाहिए उसका तो अलग कटिंग होगा, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ से यहाँ करके ये दोनों लेग को हम लोग स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हॉर्न और उसका चाहिए हम लोग का, देखिए ये हॉर्न पार्ट है तो दो पीसेस ब्लैक कट कीजिएगा इस तरीके से, देखिए और कट करके इसको फोल्ड करके यहाँ से यहाँ करके दो पीसेस आप जॉइंट कर लीजिएगा। देखिए दो पीसेस कट कर लीजिएगा इस तरह। इसका नोज़ पार्ट है, इसको यहाँ पर रख के और इसको देखिए इसको फोल्ड करके यहाँ से स्टिच कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका हॉर्न पार्ट। बस इतना पार्ट स्टिच करने के बाद मैं आगे बता, देखिए पूरा स्टिच हो गया ना ये वाला पार्ट। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, सीधा करके इसके अंदर स्टफ डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी सीधा कर लिया है और इसके अंदर डाल दी हूँ। इसको डालेंगे, ये जो ऊपर का कोना वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहेगा। और क्या करेंगे उसके बाद, इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और सब कुछ। ये तो हैंड पीस और ये हम लोग का बॉडी पार्ट मिला के स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा स्टिच कर लेंगे, इसको भी हम लोग अंदर डाल के स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर तो स्टिच कर लिया है, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ से इतना खोल देंगे ताकि हम लोग स्टफ डाल देंगे और इसको सीधा करेंगे, उसके लिए ज़रूरत पड़ता है।
कोई नहीं, अगर आप पहले से ये वाला छोड़ दिए हैं कोई बात नहीं, मैं छोड़ना भूल गई, स्टिच करते करते स्टिच कर ली तो ये वाला भूल गई, तो यहाँ से यहाँ मैं खोल दूँगी उसको सीधा करके। आप क्या करेंगे, इसके अंदर स्टफ डाल देंगे। इसमें भी मैंने स्टफ डाल दिया, देखिए कुछ इस तरह दिखेगा स्टफ डालने के बाद। और देखिए ये जो ओपन पार्ट है, आप जैसे हम लोग एज यूजुअल स्टिच करते हैं उसी तरह आप स्टिच करके इसको फिलअप कर दीजिएगा। रख के एक एक पार्ट को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरह यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसका पैर जो बनाया था उसको रख के यहाँ पर इसके चारों तरफ से हेम करने टाइप आप स्टिच कर लीजिएगा कुछ इस तरह। और उसका ये जो हॉर्न है, ये दो पीस हॉर्न है, इसको भी यहाँ रख के स्टिच कर लीजिएगा। और इसका नोज़ देखिए मार्क किया गया है कहाँ पर नोज़ लगेगा, यहाँ पर इसका नोज़ लगा दीजिएगा। देखिए हमने ये वाला ये हॉर्न इसका नोज़ वगैरह लगा दिया। अब इस जगह पे हम लोग बैक स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से इसका स्माइल बनाएंगे, चाहे तो इस तरह के इसमें बनाइए एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, कोई भी थ्रेड में बनाइए, या फिर चाहे तो आप मार्कर से मार्क कर लीजिए और आपका बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से इसको उल्टा स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ से यहाँ तक बनाइएगा। और देखिए ये जब हो जाएगा कोई भी थ्रेड में एम्ब्रॉयडरी हो या फिर जो हम लोग स्टिच करते हैं वही थ्रेड हो, उसके बाद इसका वाइड वाला टीथ बनाएंगे। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से इसको बार बार एक के पास एक, एक के पास एक रख के हम लोग स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए तरीके से और यहाँ पर एक चार यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद हॉट ग्लू गन लेंगे और इतना इतना ग्रीन कलर का क्लॉथ चाहिए, इसमें मार्क कर लीजिएगा मार्कर से एक डॉट, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिएगा। देखिए हम लोग का पूरा बन गया। मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा कि इसका और दो पार्टनर चाहिए कि नहीं, और एक इसका साथी और जैक, ये दो वीडियो चाहिए कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।